देखिए बताया गया है, आज आप लोग देखना भूगोल में खनिज संसाधन के बारे में, कौन सा संसाधन के बारे में देखना है, खनिज संसाधन के बारे में। सबसे पहले अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो बोलेगा भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, आप लोग क्या बताइएगा कितने खनिज पाए जाते हैं। आप लोग उत्तर आसानी से दे सकते हो लगभग में 100, लगभग में क्या कह सकते हैं हम लोग, बढ़ घट सकता है, इसलिए हम लोग लगभग में इसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है ना। कितना होता है लगभग खनिज कितने पाई जाती हैं, 100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना, तब यहाँ पे पूछिएगा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, इस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है, आप लोग बता दीजिएगा किसको, लोहा को, किसको बताइएगा आप लोग, लोहा को, किसको बताइएगा आप लोग, लोहा को, लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज का जननी कहते हैं, लोहा को हम लोग खनिज का क्या बोलते हैं, जननी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा आप लोगों को कर्नाटक, ठीक है ना। भारत का 1/4, भारत में जितना लोहा होता है उसका 1/4 कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, यानी 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत होता है, 25%, कितना प्रतिशत, 25%। और इसके बाद अगर आप जाइएगा क्या होता है, कर्नाटक के बाद होता है झारखंड, ठीक है ना, झारखंड, झारखंड में कितना प्रतिशत होता है, झारखंड में कितना होता है, झारखंड में 15, कर्नाटक में 2 नंबर पे का है, 2 नंबर पे 36 का, लगभग कितना प्रतिशत, 21, 36, 36 का में कितना प्रतिशत, लगभग 20%। तो यानी अगर कोई पूछेगा तो 1 नंबर पर हम लोग कर्नाटक बोलेंगे और 2 नंबर पर क्या बोलेंगे, 36 का। चलिए 4th प्रश्न क्या है, लोहा का एक अयस्क का नाम लिखो, लोहा का एक अयस्क का नाम लिखे, उत्तर हो जाएगा आप लोगों को हेमेटाइट, होता है हेमेटाइट, नोट कर लीजिए। अब आप लोग बताना है 5 नंबर प्रश्न, एक अधात्मिक खनिज
का एक खनिज, एक आधात्मिक खनिज का नाम लिखे हैं। सुनिए हल्ला मत, नाम लिखे। कौन सा खनिज का नाम लिखना है? एक आधात्मिक खनिज का नाम लिखना है। आप लोग को हम बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, उत्तर में लिखें। आर्ब्रक, अब्रक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड में लगभग 80% भारत को अपरा का उत्पादन कराता है। कितना प्रतिशत? 80%। कितना प्रतिशत? 80%। बताया गया है 36 में कितने प्रतिशत लौह आयस्क का उत्पादन होता है? उत्तर हो जाएगा 20%। कितना प्रतिशत? 20%। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है? कितना प्रतिशत? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 20% किस में आता है? छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है उड़ीसा। कितना प्रतिशत? उड़ीसा 19%। उड़ीसा के बाद कौन आता है? झारखंड, गोवा। कितना प्रतिशत? 16%। उसके बाद आता है झारखंड 15%। आगे और भी है, लेकिन ये क्या है, उत्पादन में प्रमुख है। 7 मैग्नीज उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान भारत का है? भारत का है। उत्तर हो जाएगा आपको तृतीय। लेकिन अगर कोई पूछेगा तृतीय, अगर कोई पूछेगा तृतीय, अगर कोई पूछेगा कि एक नंबर में या विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किस देश में होता है, तो आप लोग उत्तर बोल दीजिएगा रूस में। रूस के बाद अगर दूसरा का नंबर बोला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। एक नंबर पे आता है रूस, दो नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका, तीन नंबर पे कहाँ आता है? अपना भारत आता है। तीन नंबर पे कौन आता है? भारत। एक नंबर पर रूस आएगा, दो नंबर पर दक्षिण अफ्रीका, और तीन नंबर पर क्या आएगा? भारत आएगा। इसको नोट कर लीजिए। भारत के किस राज्य में, आठवां प्रश्न है, भारत का
आदि खनिज का भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है? उत्तर हो जाएगा आप लोग का उड़ीसा। कितना प्रतिशत होता है उड़ीसा में? उड़ीसा यहाँ पे 37% होता है। एक नंबर पर उड़ीसा है, दो नंबर पर महाराष्ट्र। कितना प्रतिशत है? 25%। तीन नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। कितना प्रतिशत? 21%। चार नंबर पर कर्नाटक। कितना प्रतिशत? 1/4। एक चौथाई लगभग 25%। आदि और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन, आप लोग बोल दीजिएगा। उड़ीसा में 37%, महाराष्ट्र में 25%, मध्य प्रदेश में 23%, लगभग कर्नाटक में भी 25% आदि पाए जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? उत्तर हो जाएगा 10 kg। कितना kg? 10 kg। 10 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। कोई बताएगा कितना प्रतिशत? किसी को पता है उड़ीसा में कितना प्रतिशत होता है तंबा का उत्पादन? चलिए नहीं पता है, आगे लिखिए। नोट कर लीजिए आप लोग। ये प्रतिशत इसमें नहीं बताया गया, आप लोग जांच कीजिएगा तो बताया जा सकता है, बोला जा सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट बताया गया कि यह 1951 में कितना, 1951 में 125 लाख टन, 125 लाख टन, करोड़ टन, 125 करोड़ टन तांबा का हुआ था उत्पादन हुआ था।
11 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? उत्तर हो जाएगा 125 करोड़ टन। 13 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। 14 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में किस बिहार में कौन सा खनिज पाए जाते हैं? पता होना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ एक है अब्रक। 15 के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, फिर कल बताया जाएगा।